हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एवं सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। वो सीरीज रहेगी ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, चाहे वो नीट एग्जाम हो सकता है, चाहे आपका CUET हो सकता है, चाहे आपका AMU का हो सकता है, या फिर आप लोगों का BSc नर्सिंग हो सकता है या BSc का हो सकता है। ऐसे सभी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, मैं आप लोगों को NCERT बेस्ड पर हर चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। प्लस उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए मैं उस पूरे चैप्टर का पूरा एनालिसिस करूंगा। उसका एनालिसिस करने के बाद मैं बहुत सारी मतलब कि एडवांस लेवल की आप लोगों को जो नॉलेज है वो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ देने वाला हूं। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम से, मैं ये वीडियो बना रहा हूं हिंदी मीडियम के, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन हिंदी मीडियम के जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है हिंदी इंग्लिश में। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको दूर करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है और अगर इंग्लिश में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है उसको मैं आपको बताऊं। शुरुआत में मैं आप लोगों के लिए क्या काम करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदी में कराऊंगा चैप्टर वाइज। उसके लास्ट में मैं आप लोगों को इंग्लिश में आप लोगों के लिए आंसर्ड में सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश में। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करेगा, आप लोग इंग्लिश को भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इंग्लिश क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम जो होती है कि भाई इंग्लिश के क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाते, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है हिंदी मीडियम का जो बायोलॉजी में आगे का करियर बनाना चाहता है और उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उसको प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने दूंगा। ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। वो गरीब बच्चे अब घर पर बैठकर इस चैनल के माध्यम से आराम से हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से जो भी उनका एग्जाम है उस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप लोगों को लाकर दूंगा। क्या सोल्यूशन होगा, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होनी चाहिए या आपके पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अब जो हमारी सीरीज है वो सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, आई थिंक संडे या मंडे, कल या परसों स्टार्ट जाएगी। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे सही, चाहे 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, कभी भी अगर आप देख रहे सही, अगर बायोलॉजी का एग्जाम अगर कभी हुआ तो इस कंटेंट से बाहर नहीं आएगा। और अगर बाहर आता भी है तो मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा कि 2022 में इस तरीके से आया है या 24 में इस तरीके से आया है, तो आने वाले टाइम में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फुल नॉलेज दूंगा। मतलब ऐसी कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में आप कहीं पर भी नहीं मिलने वाला जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। क्वेश्चंस हर चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के भी टोटल मिलेंगे, इंटर के भी टोटल मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, जो मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझेंगे, आप देखोगे कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा भी जाएगा और आराम से उस एग्जाम को आप क्रैक कर भी पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।